साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोस पर जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो कार्ड के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से ये वीडियो कार्ड होता है जिसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं कि MP5 होता है मतलब कि वीडियो चलेगी, USB, TF, ऑक्स की बटन वगैरह स्टेप, और इसका मॉडल नंबर है डिजिटल वीडियो प्लेयर। तो यानी कि वीडियो कार्ड का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर ये वीडियो चलने लगेगी, वीडियो कार्ड का मतलब ये है कि आपके टीवी के अंदर इसकी वीडियो चलने लगेगी टीवी के अंदर। तो आप इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो कि इधर ग्राउंड और VCC है, इधर लेफ्ट राइट ऑडियो इन यानी कि ऑक्स वाली जगह ही है, लेफ्ट राइट ऑडियो आउट यानी कि आउट की जगह ही, ये ऑडियो म्यूट के लिए है। म्यूट मतलब ऑडियो म्यूट को अगर आप ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दोगे तो ऑडियो सारी म्यूट हो जाएगी, चाहे वो टीवी में चल रही हो चाहे कहीं भी चल रही हो। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है CVBS आउट, तो यानी कि ये वीडियो के लिए है और ये ग्राउंड है इस तरफ, और इधर साइड आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है एंटीने के तौर पे ये लगा हुआ है। उसके बाद ये अलग सी चीज लिखी हुई है BT VCC और BT MD और BT P वो DM वो BT DP और ये है BT ग्राउंड यानी कि ब्लूटूथ की बात हो रही है यहाँ पे, ब्लूटूथ को अलग से वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ की बाकी सारी चीजें लगी रहती होगी। मेरे को लगता है कि ये जो कार्ड है हो सकता है कि आप इसके अंदर ब्लूटूथ ना चले, तो कुछ इस तरीके से ये कार्ड होता ही है। तो चल अब हम तो इसके लिए मैं सप्लाई की बात कर लेता हूँ। तो सप्लाई लगभग लगभग इसके अंदर 5 वोल्ट 1 एम्पियर चाहिए होता है, और जो आमतौर पे हमारे कार्ड रहते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो जो ये वाले हमारे कार्ड रहते हैं इसके अंदर 5 वोल्ट 100 mA 50 mA पे भी चल जाता है, बट इसके अंदर 1 एम्पियर की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से हमें इसके अंदर कार्ड की सप्लाई देनी जरूरत होती है। फिलहाल तो मैं अभी 78.05 पे चेक कर दूंगा, उस पर भी चल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत करता है, बट 1 एम्पियर पे काफ़ी अच्छा चलता है ये वाला कार्ड। और अगर आपको इसे चलाना हो अपने एम्पलीफायर में लगा के तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको उस 78.05 जो कार्ड के अंदर लगा रहता है आपके सेट के अंदर एम्पलीफायर के अंदर सॉरी, तो उसका इस्तेमाल ना करें। आप अलग से एक कार्ड आप अलग से एक चार्जर लगा दें, आप उसके अंदर 5 वोल्ट 1 एम्पियर का जो मोबाइल चार्जर होते हैं वो लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो ये हो गई इसकी बात। उसके बाद मैंने एक ये बना रखा है आप देख सकते हो जिसमें ये 2 वायर है, वो हमारा वीडियो वाली जगह पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लगा देंगे हम। और जो जिसके अंदर 3 वायर है उसको ऑडियो वाली जगह पे सिंपली लगा देना हमें, तो कुछ इस तरीके से ये चल जाएगा। और अगर आपको जैसे कि यहाँ पे 3 वाली ये तार हैं, इसको अगर आपको एम्पलीफायर के अंदर भी ऑडियो आउटपुट चाहिए आपको तो इन्हीं 3 जगह पे से ही वो जाएगी, बाकी जगह पे ये इसी 3, क्योंकि ऑडियो आउट है, ऑडियो आउट चाहे आप टीवी में दो चाहे एम्पलीफायर में दो चाहे कहीं भी, वो उसी तरीके से काम करेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा के भी आप बना सकते हो इसको, जैसे कि अगर आप अगर 100 ओम या 470 ओम या 1K तक कोई सी भी रेजिस्टेंस लगा के आप उसको अलग से, जैसे कि आपने एक टीवी में दे दी ऑडियो और दिक्कत कर रहा है एम्पलीफायर में थोड़ी कम आवाज़ आ रही है, तो टीवी वाली जगह पे आपको 100 ओम लगानी पड़ेगी। अगर टीवी में कम आ रही है तो आपको एम्पलीफायर वाली जगह पे 1K लगानी पड़ेगी ताकि कोई रोके ना उसकी ऑडियो का। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। शाम में